हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फेज स्पेस डायग्राम फॉर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है, शो दैट फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एन एलिप्स। और ये क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स इन द एनर्जी रेंज फ्रॉम 0 to E फॉर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। और लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए फेज स्पेस डायग्राम ड्रॉ करें या फिर ये शो करें कि जो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री होती है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो इलिप्स की तरह होती है, और इससे पहले कि हम ये शो करें, ये कैलकुलेट करें कि जो नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स होते हैं इन द एनर्जी रेंज फ्रॉम 0 to E फॉर अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसकी डेरिवेशन करें, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है या फिर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम एक ब्लॉक जिसका मास m होता है उसे एक आइडियल स्प्रिंग से अटैच करते हैं। ये एक रिजिड सपोर्ट है, ये एक आइडियल स्प्रिंग है, और ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास m है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस ब्लॉक m को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे बाय अप्लाइंग फोर्स F अप्लाइड। ये हमारी अप्लाइड फोर्स है जिसे हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ब्लॉक था जो अभी मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 पर था, वो इस अप्लाइड फोर्स के कारण अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा और वो डिस्प्लेसमेंट होगी x। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, इस अप्लाइड फोर्स को रिलीज करेंगे इस पोजिशन पर। इस अप्लाइड फोर्स को रिलीज करने पर क्या होगा, इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर क्योंकि एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो चुकी है जिसकी डायरेक्शन जो है अप्लाइड फोर्स के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इस रिस्टोरिंग फोर्स एफ वेक्टर के कारण ये ब्लॉक जो है इस पोजीशन से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। उससे होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ब्लॉक जो है वो ऑसिलेशंस करना शुरू कर देगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा अबाउट दिस मीन पोजीशन एक्स इज इक्वल टू 0, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस होगी यहाँ पर वो होगी हमारे पास न्यू। तो स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए फेज स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मोशन हो रहा है इस लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, मीन्स एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो जो हमारा फेज स्पेस होगा इस लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, वो सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट से मिला के बना होगा। एक होगा हमारे पास पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स और एक होगा हमारे पास मोमेंटम कोऑर्डिनेट पीएक्स, क्योंकि यहाँ पर जो मोशन है वो सिर्फ अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। फेज स्पेस हमारा एक 6-dimensional स्पेस होता है जो कि हमारे पास 3 पोजिशन कोऑर्डिनेट्स और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट से मिला के बनता है। 3 पोजिशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, और 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड। क्योंकि हमारा जो लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हम यहाँ पर जो पोजीशन कोऑर्डिनेट लेंगे वो एक्स लेंगे और जो मोमेंटम कोऑर्डिनेट लेंगे वो पी एक्स लेंगे। तो जो हमारा फेज स्पेस डायग्राम निकल के आएगा इस लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो एक 2-dimensional स्पेस होगा और वो एक्स पी एक्स प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा इसका बेसिक आइडिया। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहाँ से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। Let us consider a linear harmonic oscillator having mass m and oscillating freely with frequency nu. तो students यहाँ पर हमारे पास जो linear harmonic oscillator होता है वो एक ऐसा system होता है जिसमें हम block जिसका mass m है उसे एक ideal spring के साथ attach कर देते हैं। इसकी mean position है ये वाली x is equal to 0, जो है वो इसकी mean position को represent कर रही है। जब हम इस block पर अप्लाइड फोर्स अप्लाई करेंगे, एफ वेक्टर अप्लाइड फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये ब्लॉक जो है अपनी मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और
अप्लाइड फोर्स की वजह से इस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप हो जाएगी एफ वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये ब्लॉक ऑफ मास एम जो है वो अपनी मेन पोजीशन पर वापस आने की कोशिश करेगा और अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशंस एग्जीक्यूट करेगा, और ये ऑसिलेशंस जो होंगी वो फ्री ऑसिलेशंस होंगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की हमें डैम्पिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे क्या होगा, At any instant of time, the total energy E of the oscillator will be the sum of kinetic energy T and potential energy V. किसी भी समय पर जो total energy होगी इस linear harmonic oscillator की, वो दो तरह की energies का sum होगी। एक होगी हमारे पास kinetic energy, जिसे हम capital T से denote करेंगे, और एक होगी हमारे पास potential energy V. That is, total energy E will be equal to the sum of kinetic energy and potential energy. Kinetic energy is T and potential energy is V. अब इसकी कनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो होगी हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर्स एग्जीक्यूटिंग ऑसिलेशंस अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ पर के क्या है, के है यहाँ पर स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को आप फोर्स कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में m से मल्टीप्लाई करेंगे और m से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको m से मल्टीप्लाई करेंगे, एक m ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा m स्क्वायर, m से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर m आ जाएगा। सो e विल बी इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। इन दोनों का स्क्वायर हम इकट्ठा कर देते हैं, हाफ m v होल स्क्वायर बाय m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। मास इंटू वेलोसिटी होता है हमारे पास मोमेंटम, m इंटू v इज इक्वल टू होता है हमारे पास मोमेंटम। मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में होगा इसका, क्योंकि ये ऑसिलेशन जो है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग एग्जीक्यूट हो रही है, तो यहाँ पर हम एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम लेंगे, दैट इज पी एक्स। तो इस एम वी को हम पी एक्स से रिप्लेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू हाफ एम वी की जगह में लिख दिया पी एक्स, तो ये होगा पी एक्स स्क्वायर बाय एम प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ E से डिवाइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, E by E is equal to PX square, और इसे E से डिवाइड किया तो ये बन गया 2ME plus KX square, इस यहाँ पर E से डिवाइड किया तो ये बन गया 2E। तो अब हम क्या करेंगे, E से E कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1 equal to PX square by 2ME plus X square। इस K को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2E by K, हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये के ऊपर जाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 1 विल बी इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर, इस 2ME को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2ME का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो हमारे पास 2ME आएगा, तो हमें 2ME को हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2ME का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 2E by K को हम ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2E by K का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 2e बाय k का होल स्क्वायर प्लस px स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 2me का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इक्वेशन 1 तक पहुंच चुके थे, जो कि निकली थी एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 2e बाय k का स्क्वायर प्लस px स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 2me का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर स्टूडेंट्स आप इक्वेशन 1 को ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिल्कुल जैसी है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, इक्वेशन 1 इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ एलिप्स को रिप्रेजेंट करती है, जहां पर ए होता है हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस और बी होता है हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो यहाँ पर ए की जगह क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ए की जगह आपको ये मिल जाएगा वेयर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू ई बाय के, एंड बी की जगह आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, बी की जगह आपको मिलेगा यहाँ पर स्क्वायर रूट टू एम ई, एंड बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट टू एम ई। तो इक्वेशन 1 से हमारे पास ये क्लियर हो गया कि जो हमारा फेज स्पेस डायग्राम होगा इसका लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का, वो एक टू डायमेंशनल प्लेन में होगा, और वो प्लेन होगा हमारे पास एक्स एंड पी एक्स प्लेन, एक्स एंड पी एक्स प्लेन, और जो इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी इस एक्स पी एक्स प्लेन में, मींस टू डायमेंशनल फेस स्पेस में, वो एक इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री होगी। तो अगर हम इसका फेस स्पेस डायग्राम ड्रॉ करें 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो यहां पर होगी आपकी एक्स एक्सिस पोजिशन एक्सिस, और ये होगी आपकी मोमेंटम एक्सिस, दैट इज पी एक्स एक्सिस, और जो इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी इस एक्स पी एक्स प्लेन में, मीन्स इस टू डायमेंशनल फेस स्पेस में,
वो एक इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री होगी, जहां पर सेमी मेजर एक्सिस ए जो है वो किसके बराबर होगी, स्क्वायर रूट 2e बाय k के बराबर होगी, और सेमी माइनर एक्सिस जो है वो किसके बराबर होगी, 2me के बराबर होगी। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास फेज स्पेस डायग्राम ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, आप ये ड्रॉ करेंगे। और हमने ये शो कर दिया कि जो फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री होगी लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की इन फेज स्पेस वो इलिप्टिकल होगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे दस ट्रेजेक्ट्री ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इन फेज स्पेस और एक्स पी एक्स प्लेन विल बी आ इलिप्स विद सेमी मेजर एक्सिस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2e बाय k एंड सेमी माइनर एक्सिस b इक्वल टू स्क्वायर रूट 2me एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर जो ट्रेजेक्ट्री है फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर वो है हमारे पास इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री, जहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस a है स्क्वायर रूट 2e बाय k और सेमी माइनर एक्सिस है b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2me। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स इन द एनर्जी रेंज फ्रॉम 0 to e। तो जो फेस स्पेस एरिया अवेलेबल है वो इतना फेस स्पेस एरिया अवेलेबल है इस 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो ये जो एरिया ऑफ इलिप्स होगा ये फेस स्पेस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो फेस स्पेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, इस एरिया ऑफ इलिप्स की हेल्प से निकालेंगे। और हम मान लेते हैं कि ये पूरा फेस स्पेस जो है वो बहुत सारी फेस स्पेस सेल से मिला के बना है, और ये हमारी एक फेस स्पेस सेल है जिसकी जो लेंथ है इतनी सी लेंथ जो है वो कितनी होगी, ये पोजीशन एक्सिस है तो ये dx हो गया, और ये जो हमारे पास ब्रेथ है इसकी ये मोमेंटम एक्सिस है तो ये होगी dpx। इस फेज स्पेस सेल का, इस अकेली फेज स्पेस सेल का एरिया कितना होगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ dx इंटू dpx वो निकल जाएगा हमारे पास। फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे फेज स्पेस एरिया को इस अकेली फेज स्पेस सेल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि इस हमारे पास फेस स्पेस में कितनी टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं इन द एनर्जी रेंज फ्रॉम 0 to e। 0 to e कितनी हमारे पास नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स हैं। तो यही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे आप। द टोटल एनर्जी ऑफ द लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर अलोंग इलिप्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इलिप्स के किसी भी पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी हमारे पास हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो कॉन्स्टेंट रहेगी, दैट इज ई के बराबर होगी। द एरिया ऑफ दिस इलिप्स गिव्स द फेस स्पेस एरिया ऑफ द लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी बिटवीन 0 to e। तो अगर हम इस इलिप्स का एरिया निकाल लें तो हमें मिल जाएगा 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर का फेस स्पेस एरिया इन द एनर्जी रेंज फ्रॉम 0 to e। तो आप लिखेंगे फेस स्पेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ इलिप्स, और एरिया ऑफ इलिप्स होता है हमारे पास a पाई मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, a यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस है, b यहाँ पर सेमी माइनर एक्सिस है, जिनकी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है। पाई a की वैल्यू हमारे पास 2e बाय k और b की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट 2me। तो हम क्या करते हैं, दोनों को स्क्वायर रूट इकट्ठा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर रूट 2e बाय k मल्टीप्लाई 2me। 2e यहाँ पर भी है, 2e यहाँ पर भी है, तो 2e हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा पाई 2e, अंदर रह जाएगा हमारे पास m बाय k रह गया। तो इस एरिया ऑफ फेस स्पेस एरिया को हम ऐसे लिख सकते हैं, e अलग लिख दिया, 2π स्क्वायर रूट m बाय k अलग लिख दिया। क्यों लिखा अभी आप समझ जाएंगे, ये हमारे पास होगी सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, थोड़ा सा काम और रह गया है, वो हम करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम फेस स्पेस एरिया को यहाँ तक निकाल चुके थे, e मल्टीप्लाई 2π स्क्वायर रूट m बाय k, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन थी। इस फेस स्पेस एरिया को हम लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय एक वन डायमेंशनल ऑसिलेटर या फिर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारे पास न्यू इज इक्वल टू 1/2π स्क्वायर रूट k बाय m। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2π स्क्वायर रूट m बाय k। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे, न्यू बाय 1 को हम लिख देंगे 1/ν, 1/2π को हम लिख देंगे 2π, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो स्क्वायर रूट k बाय m बन जाएगा स्क्वायर रूट m बाय k। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पर 1/ν पुट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 3 into वी गेट फेस स्पेस एरिया इज इक्वल टू e मल्टीप्लाई, इसकी जगह हम लिख देंगे 1/ν, और इस दैट विल बी इक्वल टू e बाय न्यू। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो ये हमारा था टोटल फेस स्पेस एरिया। हमें कैलकुलेट करनी है नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स इन द एनर्जी रेंज फ्रॉम 0 to e। तो हम मान लेते हैं कि ये फेस स्पेस एरिया जो है वो बहुत सारी
फेस पे सेल से मिला के बना है और उनमें से हम एक फेस पे सेल कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर इसकी जो एरिया होगा वो कितना होगा हमारे पास, ये है हमारे पास लेंथ जिसे हम dx से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज ये हमारी पोजीशन एक्सिस है, और इस छोटी सी ब्रेथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे dpx से क्योंकि ये हमारी मोमेंटम एक्सिस है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ वन फेस स्पेस सेल विल बी इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ हमारे पास dx और ब्रेथ हमारे पास dpx। अब dx into dpx की वैल्यू कितनी होगी, देखिए स्टूडेंट्स हम जानते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होता है जिसे हम dx से डिनोट करते हैं और जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होता है जिसे हम dpx से डिनोट करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट h के बराबर होता है। तो एरिया ऑफ वन फेस स्पेस सेल जो है वो h के बराबर होगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये हम यूज करेंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स इन द एनर्जी रेंज फ्रॉम 0 टू e कितनी हो जाएंगे हमारे पास, अगर हम टोटल फेस स्पेस एरिया को एरिया ऑफ वन फेस स्पेस सेल से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स मिल जाएंगी 0 टू e एनर्जी रेंज में। तो ये होगा हमारे पास फेस स्पेस एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन फेस स्पेस सेल। फेस स्पेस एरिया जो है हमने निकाला हुआ है e बाय न्यू और एरिया ऑफ वन फेस स्पेस सेल जो है वो h के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया e बाय न्यू h, इस न्यू को हमने h से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस e की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस न्यू h को phi e से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स इन एनर्जी रेंज फ्रॉम 0 टू e को हम phi e से डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो ये बन जाएगा हमारे पास e इज इक्वल टू phi e मल्टीप्लाई h न्यू जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अगर हमारा जो नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स हैं वो डिस्क्रीट हुई क्वांटाइज्ड हुई मींस अगर इनकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हुई तो उस केस में क्या होगा, जो टोटल एनर्जी होगी ई लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो इन मल्टीपल्स हो जाएगी एच न्यू के इन मल्टीपल्स ऑफ एच न्यू हो जाएगी। यही आप लास्ट लाइन में लिखेंगे इफ फाई इज डिस्क्रीट और क्वांटाइज्ड, अगर हमारे पास नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स इन द एनर्जी रेंज फ्रॉम 0 टू ई जो है वो डिस्क्रीट है क्वांटाइज है मींस फाई की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, तो उस केस में देन द टोटल एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर विल बी इन मल्टीपल्स ऑफ एच न्यू। तो उस केस में हमारी ई की वैल्यू जो है दैट रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर वो इन मल्टीपल्स ऑफ एच न्यू के बराबर होगी जहां पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू है हमारे पास यहाँ पर क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया, फेस स्पेस डायग्राम ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर देखा जो कि एक इलिप्टिकल ट्रेजेक्ट्री की फॉर्म में था, और हमने क्या शो किया यहाँ पर, यह शो किया कि जो फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री होती है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो एक इलिप्स की तरह होती है, और हमने नंबर ऑफ फेस स्पेस सेल्स कैलकुलेट किए इन द एनर्जी फ्रॉम 0 टू ई जो कि इसके बराबर निकल के आए ई बाय न्यू एच के बराबर निकल के आए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।